नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा साउथ की मशहूर अभिनेत्री मंजुला विजय कुमार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंजुला विजय कुमार एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री। मंजुला ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं में करीब 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया। मंजुला विजय कुमार का जन्म 4 जुलाई 1954 को मद्रास, भारत में हुआ। इन्होंने 1969 से लेकर 2002 तक लगातार फिल्मों में काम करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। इनके पति का नाम विजय कुमार, इनके 3 बच्चे हैं, विनीता विजय कुमार, प्रीता विजय कुमार, श्रीदेवी विजय कुमार, अरुण विजय कुमार सौतेले बेटे हैं, कविता विजय कुमार सौतेली बेटी हैं, श्री अनीता विजय कुमार सौतेले बेटे हैं। मंजुला और अभिनेता विजय कुमार की शादी 1976 में हुई। दंपत्ति की 3 बेटी हैं, विनीता, प्रीता और श्रीदेवी। अरुण विजय, अनीता और कविता उनके पति के पहली शादी के बच्चे हैं। संजीव और सिंधु क्रमशः उनके भतीजे और भतीजी हैं, क्रमशः बड़ी बहन के बेटे और बेटी हैं। मंजुला विजय कुमार पहली बार फिल्म शांति निलयम, जो कि 1969 में सहायक भूमिका में नजर आईं। इसमें हीरो थे जेमिनी गणेशन। इसमें वो चरित्र किशोर भतीजी के रूप में दिखाई दी। उनकी पहली हीरोइन वाली फिल्म थी रिक्षाकरण, जो कि 1971 में आई। 70 के दशक के अंत तक उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। 80 के दशक में वो कई सारी फिल्मों में सहायक भूमिका में नजर आई। मंजुला ने साउथ, तेलुगु, मलयालम के कई बड़े स्टारों के साथ काम किया, जैसे कि आर मथुरमन, शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन, एम जे रामचंद्र, नंदामुरी, तारक रामाराव, अक्कीनेनी नागेश्वर राव, कृष्णा, शोभना बाबू, कमल हसन, विष्णुवर्धन के साथ उन्होंने काम किया। मंजुला विजय कुमार की मृत्यु 23 जुलाई 2013 को चेन्नई के SRSC में बिस्तर से गिरने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु किडनी फेल होने के कारण हुई। उनके पेट में खून का थक्का जम गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं कुछ फिल्मों के नाम ले लेता हूं। 1970 में आई शांति निलयम, इसमें भास्कर की भतीजी के रूप में थी। ये तमिल भाषा की फिल्म थी। 1970 में आई जय जवान, ये तेलुगु फिल्म थी। 1971 में आई रिक्षाकरण, कुमारी उमा के रूप में थी और ये तमिल फिल्म थी। 1972 में आई शक्ति लीलय, ये तमिल फिल्म थी। 1972 में आई मरपुराणी मनीषी, इसमें लक्ष्मी के रूप में थी, ये तेलुगु फिल्म थी। 1972 में आए नीति निजयती, तेलुगु फिल्म थी। 1972 में आई इधाया विनय, इसमें विमला के कैरेक्टर में थी, ये तमिल फिल्म थी। 1973 में आई अम्मान अरूल, तमिल फिल्म थी। 1973 में आई मारू पिरावी शारदा के रूप में, तमिल फिल्म थी। 1973 में आई पुक्करी वल्ली के रूप में थी इसमें, और ये तमिल फिल्म थी। 1973 में आई इंगला थंगा राजा, ये तमिल फिल्म थी। 1973 में आई पसा दीपम, तमिल फिल्म। 1973 में आई मायादारी मल्लिगाडू, तेलुगु फिल्म थी। 1973 में आई बड़े विद्दू, तेलुगु फिल्म थी। 1973 में आई उलागम सुत्रुम वालिबन, इसमें विमला के रूप में थी और ये तमिल फिल्म थी। 1974 में आई राजा नागम, ये तमिल फिल्म थी। 1974 में आई डॉक्टर रम्मा, ये तमिल फिल्म थी। 1974 में आई अल्लूरी सीताराम राजू,
तेलुगु फिल्म थी, 1974 में आई। एन मगन इसमें राधा के रूप में थी और ये तेलुगु फिल्म थी। 1974 में आई मांची मुनुशूल, ये राधा के रोल में थी इसमें और ये तेलुगु फिल्म थी। 1974 में नेत्रु इदु नालय, ये तमिल फिल्म थी। 1975 में आई अम्बे आरु ईरी, इसमें श्रीदेवी के रूप में थी और तमिल फिल्म थी ये। 1975 में आई डॉक्टर शिव, इसमें गीता के रूप में थी और ये तमिल फिल्म थी। 1975 में जेबू डोंगा, इसमें माधवी के करेक्टर में थी और तेलुगु फिल्म थी। 1976 में आई महाकवि क्षत्रिय, ये देवदासी के रोल में थी और ये तेलुगु फिल्म थी। 1976 में आई उस्मान, इसमें राधा के रूप में थी और ये तमिल फिल्म थी। 1976 में आई मंगाडू, इसमें अनीता के रूप में थी, ये तेलुगु फिल्म थी। 1976 में आई मनुशुलंता ओकट्टे, इसमें शांति के रूप में थी और ये तेलुगु फिल्म थी। 1976 में आई नेरम नदी कड्डू अकाल लीदी, इसमें गौरी बनी थी और तेलुगु फिल्म थी ये। 1976 में आई सत्यम, ये तमिल फिल्म थी। 1977 में आई चिरंजीवी राम बाबू, इसमें शारदा के रूप में थी और ये तेलुगु फिल्म थी। 1977 में आई अवन ओरू सिरी थिरम, ये तमिल फिल्म थी। 1977 में आई चाणक्य चंद्रगुप्त, इसमें छाया के कैरेक्टर में थी और ये तेलुगु फिल्म थी। 1978 में आई सीरा टानाके सावल, ये कन्नड़ फिल्म थी। 1978 में आई सुभाष गोपी, तेलुगु फिल्म थी। 1978 में आई तूफान मेल, तेलुगु फिल्म। 1978 में आई अली दरबार, तमिल फिल्म थी। 1978 में आई शंकर सलीम साइमन, तमिल फिल्म थी। 1978 में आई पवा डक्करी, मलयालम फिल्म थी ये। 1979 में आई निया, इसमें उषा के कैरेक्टर में थी और ये तमिल फिल्म थी। 1979 में पंचरत्नम आई, ये मलयाली फिल्म थी। 1978 में आई टाइगर सलीम, ये मलयाली फिल्म थी। 1982 में आई नैनन जंगल, तमिल फिल्म थी। 1983 में आई नमस्ते मैडम, मलयालम फिल्म थी ये। 1988 में आई चिक्काडू दोरा काडू, तेलुगु फिल्म थी। 1979 में आई प्रेमा, तेलुगु फिल्म थी। 1990 में आई पुद्दू वसंतम, तमिल फिल्म थी। 1991 में आई इंस्पेक्टर बलराम, मलयालम फिल्म। 1992 में आई अमरन, तमिल फिल्म थी। 1992 में आई चाटी, तेलुगु फिल्म थी। 1992 में आई मथुल कुरल, तमिल फिल्म थी। 1983 में आई थल टट्टू, ये तमिल फिल्म थी। 1994 में आई शक्तिवेल, तमिल फिल्म थी। 1994 में आई नीला, तमिल फिल्म थी। 1994 में आई प्रियंका, इसमें सुशीला के रूप में थी, ये तमिल फिल्म थी। 1995 में आई भाग्यशाली आदमी, इसमें जो है कार्तिक की माँ के रूप में थी और ये तमिल फिल्म थी। 1995 में आई इल्या रागम, मिनीता की माँ के रोल में थी इसमें और ये तमिल फिल्म थी। 1996 में आई शारदा बुल्लोडू, तेलुगु फिल्म थी। 1997 में आई थम्मी दुरई। 2002 में आई वासु, ये तेलुगु फिल्म थी। 2001 में आई सुमी धीराम, तमिल फिल्म थी। 2001 में आई लाल भारती, मलयालम फिल्म थी। 1999 में आई सुयम वरम, ये तमिल फिल्म थी। दोस्तों एक बार संक्षिप्त में, मंजुला विजय कुमार एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री, इन्होंने जो है तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयाली जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। मंजुला विजय कुमार का जन्म 4 जुलाई 1954 को मद्रास भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 23 जुलाई 2013 को मद्रास में हुई। इन्होंने 1969 से लेकर 2002 तक लगातार फिल्मों में काम किया। मंजुला के पति के नाम विजय कुमार, जो कि साथी कलाकार भी थे। इनके बच्चों के नाम विनीता विजय कुमार, प्रीता विजय कुमार, श्रीदेवा विजय कुमार, अरुण विजय सौतेले बेटे, कविता विजय कुमार सौतेली बेटी, डॉक्टर अनीता विजय कुमार सौतेली बेटी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।